नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। सदियों पहले भील जनजाति इस जगह पर रहा करती थी। आज भी उन्हीं की बस्तियां विद्यमान हैं। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बनी है। यहाँ दो मंदिर स्थित हैं, इसलिए यहाँ दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहल्याबाई होलकर की तरफ से पार्थिव शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद यहीं विश्राम करते हैं। रात्रि में यहाँ शिव भगवान की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट दूर हो जाते हैं यदि एक बार वो शयन आरती में आ जाएं। ऐसा कहा जाता है कि आप सारे तीर्थ कर लें, परंतु ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना यह सब अधूरे हैं। पौराणिक रूप से देखा जाए तो इसकी तीन कथाएं हैं, जिसमें से पहली कथा है, एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और विंध्याचल पर्वत राज ने उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने अपने गुणों का बखान भी शुरू कर दिया। नारद जी उनके बखान को सुन रहे थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रहे थे। तब उन्होंने नारद जी से कहा कि अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास ऐसी क्या कमी है। तो नारद जी ने कहा कि तुम सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे नहीं हो, उस पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। यह सुनकर विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ, परंतु उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि उन्हें घमंड था और शायद वो चूर हो गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेंगे और उन्होंने ओंकारेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और प्रसन्न मन से लगातार 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं जिस कार्य को करूं वह सिद्ध हो जाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने लगे। तभी वहां पर अन्य देवता पहुंचे और उनसे कहा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। भगवान शिव प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने लोक कल्याण के लिए देवताओं और ऋषियों की बात मान ली। अब वहाँ दो शिवलिंग हैं, जो विंध्य द्वारा स्थापित किया गया था उसे परमेश्वर लिंग कहा जाता है और दूसरा भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए उसको ओंकारेश्वर लिंग कहा जाता है। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर लिंग कहा जाता है। इसी तरह दूसरी कहानी है राजा मंधाता की। राजा मंधाता भगवान शिव के अन्य भक्त थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजा मंधाता उन खास लोगों में से एक थे जिन्होंने रावण को हराया था। मंधाता की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इसी स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। तब मंधाता ने उनसे वर मांगा था कि प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब से शिव जी वहाँ विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओंकार और मंधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 68 तीर्थ स्थल हैं और ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता यही निवास करते हैं। नर्मदा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तीसरी कथा इस प्रकार है, एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ जिसमें देवता पराजित हो गए। देवता लोग दुखी मन से भगवान शिव के पास पहुंचे, उनकी पूजा अर्चना व आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित करने के लिए कहा। देवताओं ने ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित किया और उसके बाद युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई। कुबेर, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भी एक कथा आती है। इस मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिसमें स्नान करके कुबेर ने इसकी यानी ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा की थी। कावेरी नदी ओंकारेश्वर की परिक्रमा करती हुई नर्मदा में जाकर मिल जाती है, जिसे नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है।
आदि शंकराचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर गुफा में यानी इस मंदिर के नीचे ही गुफा के अंदर तपस्या की थी और अपने गुरु गोविंद पदाचार्य से मुलाकात की। यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुरू से ही भील राजाओं का निवास रहा है और यह उनकी राजधानी रही है। यहाँ के सिद्धनाथ मंदिर को औरंगजेब के सैनिकों द्वारा बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। कुछ इसकी मान्यताएं हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी यात्री भले ही सारे तीर्थ कर ले किंतु यदि उसने ओंकारेश्वर का तीर्थ नहीं किया तो उसका फल अधूरा माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नर्मदा नदी का स्नान एक बार स्नान से 15 दिन यमुना जी का स्नान और 7 दिन गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। लगभग 3 दिन का समय आपको लगेगा इस पूरे को घूमने में। अगर मैं मंदिरों के बारे में बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मैं आपको कुछ और 2-4 दर्शनीय स्थल के बारे में बता देता हूँ। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी का पक्का घाट है। नर्मदा जी को पार करके यात्री मानधाता द्वीप पर पहुँचते हैं। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी का कोटी तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी हैं। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। अनगढ़ यानी मतलब देखने में खूबसूरत नहीं लगता है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का छोटा द्वार है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती की मूर्ति भी है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है और पांचवी मंदिर पर ध्वजेश्वर लिंग है। वहीं दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भी है। ममलेश्वर मंदिर अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था। गायकवाड़ राज्य के ओर से नियत किए हुए बहुत सारे ब्राह्मण आज भी वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर के दर्शन करें फिर नर्मदा पार करके ओंकारेश्वर जाए, किंतु नियम के अनुसार ओंकारेश्वर का दर्शन पहले करना है और बाद में ममलेश्वर का दर्शन करना है। पुराणों में ममलेश्वर अमलेश्वर को ही कहा जाता है। ओंकारेश्वर शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है। इसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यहाँ ओंकारेश्वर में लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी हुई है। ओंकारेश्वर का अगर वर्णन करूं तो वहां कंकड़ कंकड़ शंकर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वहां पहुंचा कैसे जाए। तो अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो इंदौर उतरिए। इंदौर उतरकर वहां से तकरीबन 77 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रतलाम पहुंचिए। रतलाम रेलवे स्टेशन से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर है। धन्यवाद दोस्तों। हम इसी तरह और ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।